जाल में हो सकता है कि उसमें एंगुलर डिस्टेंसेस में नहीं होते हों, कोणीय दूरी कोणीय संबंध ना होते हों, पर ग्रिड में जो होता है, जैसे आप बिजली के तारों को बिछाते हैं, तार खींचते हैं, तो वो भी एक पर्टिकुलर हाइट पे होते हैं। यदि वो ऊपर नीचे होंगे तो हवा चलेगी, तूफान या कुछ भी इम्बैलेंस होकर टूटने का डर होगा। तो ग्रिड इज एप्रोप्रिएट वर्ड बिकॉज ऑल दीज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स दे आर कटिंग ईच अदर एट द राइट एंगल। सिंपल सा ग्रिड कैसे फॉर्म हुआ कि अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं को परस्पर समकोणीय दूरी पे काट करके जो निर्माण होता है वो हमारा ग्रिड कहलाता है। एंड ग्रिड वर्ड जो है दैट इज फॉर ट्रांसमिशन, फैलाव के लिए, विस्तार के लिए। इसलिए हीरालाल यादव साहब ने प्रक्षेप की परिभाषा में बोला कि प्रक्षेप क्या है, केवल प्रसार है, प्रसारित करना है। प्रक्षेप को हमने क्या बोला, केवल प्रसारित करना है, क्योंकि हम इसमें यहाँ लैटिन अमेरिका भी बना रहे हैं, इसमें हम अफ्रीका भी बना रहे हैं और इसमें हम एशिया पूरा बना रहे हैं, यूरोप। तो यही हम हर देश का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार को फैला रहे हैं, बता रहे हैं। अब इसी में मैं एक छोटा सा, यदि आपको अक्षांश तथा देशांतर यदि चेंज कर दूं तो आपका श्रीलंका का विस्तार एक्सेक्ट आ जाएगा कि भाई आपका 2 डिग्री से लेकर के 7 डिग्री समथिंग इसका अक्षांशीय विस्तार। यानी कितने अक्षांश आ गए, 7। ये बात समझ में आ गई, क्या बोला मैंने कि अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के द्वारा हम क्या प्रसारित कर रहे हैं, विश्व का वितरण। और वितरण किस तरह का है, क्षेत्रीय वितरण है, हॉरिजॉन्टल है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सोशल स्ट्रक्चर जैसे आपके पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ऑल मतलब जो समस्त गतिविधियाँ आप करते हैं धरातल के ऊपर, उन समस्त गतिविधियों को हम ऑल द एक्टिविटीज वट एवर वी आर डूइंग ऑन द अर्थ सर्विस, उनको हम मैप से जब बताते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होती है, वो टीचिंग आपकी पूरी पेनिट्रेट आती है आपके अंदर और वो आप कभी भुलाए नहीं भूलते हैं। आप देखते हो मैं आपके थ्योरी में भी आपको स्केच बनाती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ, स्केच बनाती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। तो बार बार ऐसे करने से क्या होता है, मेरा एम क्या है, आपको एकदम से इस चीज़ को समझाना। अब मैं आज फिर से बोल रही हूँ, आप चाहे स्कूल मास्टर बने, चाहे प्रोफेसर बने, चाहे आप कोई RS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, तहसीलदार, आई विश फॉर यू कि आप और अच्छा से अच्छा बने। इसलिए मैं सोचती हूँ कि आप बिल्कुल परफेक्टली उस चीज़ को देखें। अब मैंने बताया था पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के कोण को, किसकी, सन रे, व्हाट इज इट, सन, सूर्य रे, सन सूर्य की किरण को पड़ने वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, उसकी जगह जो एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सन रे दैट इज लैटिट्यूड। फिर से सुन लीजिए, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सन रे विच फॉल्स ओवर द अर्थ सरफेस दैट इज लैटिट्यूड। अब सपोज देखिए, ये मैंने एक लाइन खींची है, पर जब मैं इसको नेमिंग करती हूँ, नोमेनक्लेचर मेथड आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है कि मैप मानचित्रों के जो मापक के जो नहीं आरेख के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार 3 प्रकार अलग अलग होते हैं ना, यूज़ के आधार पर, गुणों के आधार पर, ऐसे। तो इसमें मैंने जैसे यहाँ पे नोमेनक्लेचर क्या किया, 0 डिग्री दिख रहा है, तो सब ज्योग्राफी के बच्चों को पता है ये क्या है, इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। अभी भूमध्य रेखा कहाँ से आई, सूर्य की किरण बराबर कहाँ पड़ रही है, पृथ्वी के सेंटर पे, सेंटर ऑफ द अर्थ, ये आपका जिसको हमने बोला है यम्योत्तर दूरी पृथ्वी के ऊपर आ रही है सूर्य की किरण का पड़ने वाला कोण, परफेक्ट। अब ऐसे ही क्योंकि सन भी अपनी कीली पे घूम रहा है, पृथ्वी अपनी कीली पे घूम रही है, रोटेट, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। यदि आप साइंटिफिकली देखो तो हमारी बॉडी भी आपका साइंटिफिकली 23.5 डिग्री पे इंक्लाइन है, इससे भी हम गिरते नहीं हैं। जो मैंने फर्स्ट ईयर में आपको 5 यूनिवर्स के फॉर्मूले बताए थे ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का सिद्धांत, ग्रेविटेशनल पुल, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
तो ये सारे जो मैंने आपको बताए थे, तो हमारा जो नाक है चोटी और ये हमारा ये जो गर्दन है बच्चों, यदि हम इसको ये कोणीय दूरी यहाँ से हम हॉरिजॉन्टली रखें तो हमारा धरती हमारा बॉडी हेड जो है वो भी 23.5 डिग्री पर इंक्लाइंड है और हमारे ऊपर जो चार हाथियों जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ रहा है वो भी फील नहीं होता। पृथ्वी इतनी फास्ट वेस्ट से ईस्ट घूम रही है तो भी हम गिरते नहीं हैं, सब तरह का बैलेंस बना हुआ है। तो गॉड ने जो है प्रोपोर्शनल हर चीज़ हमारी ज्यामितीय है, साइंटिफिकली ज्योमेट्रिकल एक्यूरेट बनी हुई है। तो क्या हुआ, पृथ्वी अपनी कीली पे घूम रही है, सूरज अपनी कीली पे घूम रहा है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ उसी सेम दिशा के झुकाव में, किस झुकाव में, पृथ्वी कितनी कीली पे बताया मैंने आपको 23.5 डिग्री, क्या बताया बच्चों 23.5 डिग्री, ठीक है। अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस एंड इंक्लाइन ऑन इट्स एक्सिस, झुकाव के साथ साथ घूर्णन के साथ साथ पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण कर रही है क्योंकि सन क्या है हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर पार्ट है, तो हर प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। इसलिए हमारा हर बार दिमाग में तुम्हारे आ सकता है कि ये हर बार पोजीशन चेंज हो रही तो ये इंक्लिनेशन कैसे आ रहा है, इंक्लिनेशन इसलिए आ रहा है कि पृथ्वी झुकी हुई भी है, रोटेट भी हो रही है और रिवॉल्व भी हो रही है, तो हर बार पोजीशन अलग अलग होती है। जैसे सनराइज होता है तो आपका हॉरिजॉन्टल होता है और ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन दोपहर आपका 30-40 डिग्री के आसपास एकदम सन वर्टिकल होता है और 90 डिग्री के ऊपर शाम सनसेट पे वापस इंक्लाइंड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं शक्ति जी मीट, हॉरिजॉन्टल मीट ऑफ अर्थ एंड सन, और जिसको हम पोइट्रिक लैंग्वेज में बोलते हैं कि धरती का तल छोर और आसमान कभी परस्पर मिलते नहीं है, समुद्र के किनारे जाके खड़े हो जाओ तो ऐसे लगेगा सूरज मतलब डूब रहा है, धरती और आकाश दोनों मिल रहे हैं, पर व्हेन यू गो टू नियर एंड नियर एंड नियर नियर यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग इज मीटिंग ओवर देयर। इज दिस क्लियर बच्चों, इतना समझ में आ गया। इसलिए अक्षांशीय कोणीय दूरियां अलग अलग होती हैं और स्पेसिफिक चार चार महीने में पोजिशन जो है 12 महीने के दिन होते हैं तो इक्विनॉक्स पोजिशन बनना प्रारंभ होती है।